किसी लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ साहब, वो लोग उस लड़की को अगवा करके ले जा रहे हैं। अप्पू खोटे, क्या है? उस टैक्सी में लफड़ा चल रहा है। डोंट डिस्टर्ब, आई एम बिजी ना। अबे लड़की के साथ लफड़ा चल रहा है? थॉमस, या प्रेम, जल्दी सोन रॉकेट की स्पीड पकड़ना। मैं तो टैक्सी के चांद को दाग लगेगा गंजे देख पा के। चल लड़की को गाड़ी से नीचे उतार। नहीं उतारेगा, नहीं उतारेगा। अरे माता, नहीं उतारेगा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। I'm
कहा आवारा गलियों के हम बिगड़े शहजादे, कोई न जाने हमारे हैं अच्छे इरादे, जो चाहे करते हैं मालिक से डरते हैं, सारे जमाने में हमसा है कोई कहा आवारा गलियों के हम बिगड़े शहजादे। खराटों की आवाज को तू टेप रिकॉर्डर के म्यूजिक से दबा नहीं सकता। साहब मेरे पास डिस्को म्यूजिक है, लगाओ। डिस्को? डिस्को से तो ये खराटा म्यूजिक ही ठीक है। अरे मुए, आंखें बंद करके गाड़ी चला रहा है क्या? तुम्हारे खराटों से तो मुर्दे की भी आंख खुल जाए, ये आंख क्या बंद करेगा? तो फिर ये गाड़ी हिचकोले क्यों खा रही है? गाड़ी तो बड़े आराम से चल रही है, तू ही खराटों भरी नींद के मजे ले लेकर हिचकोले खा रही है। खराटे?
मैं सोई कब हूँ? मैं अहमदनगर से देख रहा हूँ, आप मस्त नींद में हिचकोले खा रही हैं। अच्छा तो तू मुझे देख के गाड़ी चला रहा है? अरे मुए सड़क देख के गाड़ी चला, नहीं तो झुमरी तले या पीछे रह जाएगा। अच्छा मैम साहब। विजय, तेरे पड़ोस में एक फैमिली आई है। अच्छा कौन कौन? एक अच्छा बुढ़ा और एक अच्छी क्या बुढ़ी और एक चिड़िया। चिड़िया चिड़िया जैसी खूबसूरत लड़की। फास्ट सुपरमैन पकड़ लिया ना। अरे यार जालिम हिरनी की गोल गोल गर्दन को इस तरफ घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इतनी जल्दी गरम हलवा मत खा, तेरा मुंह जल जाएगा और साथ में हमारा भी। पिछवाड़ा नहीं अपना मुखड़ा दिखाओ। फिगर तो अच्छी है। अबे गधे नजर मत लगा। अब फोटे डोंट डिस्टर्ब, आई एम बिजी ना। अप्पू जी, अरे मेरा नाम भी मालूम है। अप्पू फोटे कौन है ये? सुन मैं तुझे एक चिट्ठी देता हूँ, तू उसे जाकर दे। अब भी जाता हूँ, अगर मैं चिट्ठी देने गया तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। अबे मर्दबान मर्दबान, क्या जिंदगी भर ऐसा ही देखता रहेगा? कुछ कर मर्दबान। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? माँ जी वहाँ ना। बाबा नहीं, यहाँ 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 योगासन कर रहे हैं। योगासन कर रहे? योगासन योगासन वो क्या है ना माँ, कि गुरु जी ने कहा है कि योगा आसन से सारी गैस निकल जाती है। अच्छा विजय बस बस कौन है वो? अरे वो अच्छा हम लोग तो कब से वहाँ देख रहे हैं, लेकिन उसे तो अभी देखा है। घर में चोर घुस गया है। वहाँ कौन सा चोर जाएगा, सब चोर यहाँ हैं। नहीं माँ जी ऐसे नहीं है। अरे मैं तुझे बोल रही हूँ। क्या चोर? देखा बिना योगासन के ही सारी गैस निकाल दी तेरी। कुछ भी बोल कुछ भी बोल, तेरी माँ ने मेरी क्या इज्जत की है। अरे तू है इसी लायक। हाँ मुझे बोलो। मैं तो इस लड़की को बराबर देख भी नहीं पाया। मैं तो आज इसे देख कर ही जाऊंगा। मैं भी अरे यार मैं तो भूल ही गया, मुझे एक जगह अर्जेंट अपॉइंटमेंट पर जाना है। तो जल्दी जाना, हम इधर हैं, आराम से देखते हैं। अरे लेकिन तुम लोग तो कह रहे थे कि तुम लोगों को भी कहीं जाना है। वो कैंसिल किया, हम लोग बिजी है ना। अच्छा मतलब यहाँ से कोई नहीं जाएगा? यहीं धरना धरोगे? यू नहीं मानोगे? हे स्वप्न सुंदरी, बाहर निकल के आ, अपना मुखड़ा दिखा चांद सा, अपना मुखड़ा दिखा, अपना मुखड़ा दिखा चांद सा, अपना मुखड़ा दिखा। उल्लुओं की तरह रात को क्यों शोर मचा रहे हो? उल्लू तो रात को ही शोर मचाते हैं माजी। किसी को चैन से सोने नहीं दोगे क्या? जाओ जाके जल्दी से सो जाओ माजी। अरे बंद करो ये शोर शराबा। माँ ये शोर शराबा नहीं, गीत संगीत की प्रैक्टिस है, म्यूजिक प्रैक्टिस। आप चुपचाप सोते हो या लेके आऊँ झाड़ू? झाड़ू
अरे मूरनी नहाने जा रही है। यार। अरे एक है साबुन लगाने गए क्या? चल हम। हाय, पहला दीदार मैं करूंगा। क्या दिलीप कुमार? बाद में तुम लोग। I'm coming. और दूसरा दीदार मैं करूंगा गंजे। तुम डोंट डिस्टर्ब, आई एम बिजी यू नो। गधे की तरह खड़े मत रहना, कोई आके तो बता देना। यार ये गलत है तमस यार, ये लोग हमेशा ऐसा करते हैं। यार नीचे बैठ, मैं तेरे पीठ पर बैठता हूँ। नहीं 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 नहीं, तू नीचे बैठ, मैं ऊपर खड़ा रहता हूँ। बाद में देखेंगे ना। ठीक है, लेकिन बाद में जान देगा ना। पहले तू नीचे तो बैठना। बैठ बैठ जल्दी, शाबाश, जल्दी ऊपर उठा, जल्दी जल्दी जल्दी, और ऊपर और ऊपर। अरे क्या कह रहे तू आज? कुछ दिखाई देगा तो मुझे बता देना। अबे पहले मुझे ऊपर तो उठा। उतारो उतारो उतारो। पहुंच गया पहुंच गया। अब वो साइलेंट, जल्दी। ए क्या हुआ क्या हुआ, कोई आ रहा है क्या? आया कोई भी नहीं, मगर तुम लोगों ने बहुत देख लिया, अब हम देखेंगे। हो, हम लोगों ने भी कहा देखा, देखने ही वाले थे कि तुम लोगों ने हमें डरा दिया। इडियट इडियट बोला। देखो अब कोई आए भी तो आप पक पक पुछ पुछ कुछ नहीं करना, समझे? गंजा कहीं का जा रहा है। चल चल तू बैठ, तू बैठ, बैठ। अभी तुझे बैठना पड़ेगा। हाँ, अरे अच्छा अच्छा, उस खिड़की से देखते हैं। देखना मिलेगा ना? अरे मिलेगा मिलेगा, बात सपोर्ट भी मिलेगी। चल 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 चल, तू बैठ तू बैठ तू बैठ तू बैठ तू बैठ। अच्छा अच्छा चल, बैठ गया। त्रैरंगे सुष्टुवा सस्तनु भिर्वेशेम देवहितं यदायुः स्वस्तिनैन। अरे मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, राइट में जा, अरे लेफ्ट 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 लेफ्ट, अरे लेफ्ट में जा, अरे 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 मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, गिरा दिया ना, मार भाग भाग जल्दी भाग जल्दी भाग, अरे मर गए रे। अब तू हीरो की स्टाइल मारना। हाँ हाँ। उस स्कूटर को ब्रेक मारेगी। Correct. और देखेगी। Right. तो मैं मुस्कुराऊंगा। और मैं क्या करूंगा? रोएगा। अब सब मुस्कुराओ, सब मुस्कुराओ। क्या सेक्सी लग रही यार। साला कचरा कर दिया, हम लोगों को कचरा समझकर हमारे और देख के बिना चली गई। श्रीमान इस बुढ़िया को पटा ले। तू पटा बुढ़िया को, हम लड़की पटाएंगे। बुढ़िया तेरी, लड़की मेरी। अब होड़े, डोंट डिस्टर्ब यार। यार ये लड़की को पटाने का मंत्र है किसी के पास? लड़की को पटाने से पहले बुढ़िया को पटाना पड़ेगा। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ यार, बुढ़िया को पटाने का मंत्र मेरे पास है। शहर की सारी बुढ़िया इन्होंने पटाई, इसलिए तो बाल चले गए हैं। अब होड़े, डोंट डिस्टर्ब यार, जाओ नहीं बताता। यार अब होड़े, चुप चुप बचवट। प्यारे प्रेम, बुढ़िया को पटाने का मंत्र क्या है? सिर्फ तुझे बताऊंगा, उसको नहीं। बता। बुढ़िया के पास जाओ और कहो, दादी माँ दादी माँ, तुम तो बिल्कुल मेरी स्वर्गवासी दादी माँ की तरह दिखाई देती हो। लगता है भगवान ने तुम्हें दोबारा जन्म देकर इस पोते से मिलने के लिए भेज दिया है। बस ये तीर छोड़ दो, फिर देखो उसका असर। लेकिन दादी माँ के गंजे पोते। अप्पू खोटे, डोंट डिस्टर्ब। ये दादी माँ हम दोनों को पोते की तरह नहीं देखेगी, क्योंकि कल रात को उसने शीशे में से हम दोनों की शक्लें देखी। हाँ। सामने जाएगी तो मुसीबत हो जाएगी, बड़ी मुसीबत होगी गंजे। मतलब? मतलब ये आइडिया तुम्हारा है। हाँ। इसीलिए तुम ही को इस पर अमल करना होगा। मुझे? हाँ। नहीं यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारी तबीयत मैं ठीक कर दूंगा, अब ध्यान से सुनो। हाँ। तुम अकेले जाओगे, बुढ़िया भी अकेली होगी। बुढ़िया अकेली, तू भी अकेला। इससे पहले कि उस घर तक कोई और पहुंच जाए, उस बुढ़िया को प्लान के अनुसार हमारे रास्ते पर मोड़ना पड़ेगा। फिर देखना हम सब के बारे प्यारे हो जाएंगे। अबे गंजे जाना। ए मुझे गंजा मत बोल। अरे नहीं नहीं मेरे हिप्पी, दादी माँ तेरा इंतजार कर रही है। जा 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 जल्दी जा। क्या स्टाइल है। ए
बजा। जोर से। मेरी इज्जत पे हमला करने आया था? बाप रे बाप, अरे वो बुढ़िया तो खानदानी पागल है यार। अगर वो तलवार मेरे कलेजे के पार हो जाती तो मेरा क्या हाल होता? ऐसे हुआ तो नहीं ना। हाँ, अगर होता तो हम तुझे अकेला नहीं छोड़ते, हम तीनों तुझे शमशान घाट पहुँचा देते। चंदा निकल के ही जब तो इसलिए जब वो बुढ़िया मेरे पीछे नंगी तलवार लेकर दौड़ी, तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर भाग गए। बुजदिल कायरो। अबे दादी माँ के बहादुर पोते, तू उस बुढ़ी को पटाने गया था और उसी के हाथ पीट के आया? तू तेरे जिंदगानी पे गंजे अप्पू कोटे बुढ़ी आई। सुन प्रेम, जब उन लोगों ने आकर हमारे शहर में कदम जमाई लिया, तो अब हम लोग भी उस लड़की से शादी करके ही दम लेंगे। ओके? अरे हम लोग तो चाह रहे हैं यार। तो क्या हुआ? अरे पांच पांडवों ने मिलके एक दमयंती के साथ शादी की थी। दमयंती नहीं, कुंती से शादी की। अरे कुंती हो या गुंती, लेकिन शादी की थी कि नहीं? वैसे हम चार चांडाल मिलके उस लड़की से शादी करेंगे। अबे इडियट, हम चारों का मतलब हम चार नहीं, हम चारों में से एक। वो एक कौन होगा? मैं जानता हूँ कि तुम लोगों की बहुत मजबूरियां हैं, इसलिए बोझ मैं अकेला उठा लेता। मैं क्या मर गया हूँ क्या? मैं उठाऊंगा। मैं उठाऊंगा। नहीं मैं उठाऊंगा। अभी अभी तो मार खा के आया तू। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, हम चारों के अलावा कोई पांचवा आदमी उसे उठाकर ना ले जाए, इसलिए हर वक्त हमें उस पर आंख रखनी पड़ेगी। तू फिक्र मत कर यार, मेरी एक आंख क्या, मेरी दोनों आंखें उसके ऊपर कुर्बान। छी 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 छी, क्या बेहुदा शहर है, जवान लड़के बड़े बूढ़ों की इज्जत आबरू पर हमला कर रहे हैं। अरे अंधे होंगे बेचारे। तुम रहने दो जी, मैं अपनी जान बचाकर सही सलामत अपने शहर वापस जा रही हूँ। क्या हुआ दादी माँ, कुछ तो बताओ। वहम हो गया इसे, कोई इसकी इज्जत पे हमला करना चाहता है, इसकी जान लेना चाहता है। तो क्या मैं मनगढ़ंत कहानी सुना रही हूँ? वैसे तुम्हें देखकर जान से मारने की तमन्ना तो किसी की भी हो सकती है, कई बार मैंने भी सोचा था। तुम चुप करो जी, उस कबूतर की किस्मत अच्छी थी जो बच गया, वरना आज खून की नदियाँ बह जाती। किसका खून दादी माँ? देखो बेटी मेरी बात सुनो, ये शहर अच्छा नहीं है, चलो वापस चलते हैं। दादी माँ, रघुवीर भैया की तलाश किए बिना हम कैसे लौट जाएंगे? अरे अपने शहर और इस शहर में कौन सा बड़ा फासला है, ये काम तो हम अपने शहर में रहकर भी कर सकते हैं। नहीं दादी माँ, रघुवीर भैया की तलाश अगर करनी है तो इसी शहर में रहकर करनी होगी। अगर मेरे उठने वाले इस कदम से तुम्हें डर लग रहा है तो तुम दादाजी के साथ चली जाओ, क्योंकि मुझे न मौत का डर है न किसी का खौफ। रघुवीर भैया की तलाश के सिवाय मेरा और कोई मकसद नहीं है। अरे रघुवीर, तू क्यों आया इस जालिम शहर में जहाँ की मिट्टी में इंसानियत ही नहीं है? हाय। कौन चाहिए? मैं पड़ोस के शहर से आ रही हूँ, यहाँ बंबई से आए हुए रघुवीर, वो मेरे भैया हैं। तुम रघुवीर के? छोटी बहन। माया नाम है ना? हाँ। आओ आओ अंदर आओ बेटी, आओ। बंबई से कब आए? परसों दोपहर। यूके मलोन अकेली आई? पूना तक अकेली थी, वहाँ से दादा दादी साथ आ गए। यहाँ आने की कोई खास वजह? कोई खास नहीं, इस शहर में रघुवीर भैया थे इसीलिए इस शहर में कुछ दिन रहने के लिए आई हूँ। अच्छा किया बेटी, बैठो। हाँ माँ जी, आपसे एक मदद चाहती हूँ। रघुवीर भैया जब इस शहर में थे उसी वक्त का उनका लिखा हुआ यह खत है। इस खत में जिनका नाम है क्या आप उन्हें जानती हैं?
प्यारी बहन माया, जानता हूं मां को मेरी चिंता परेशान कर रही है, मेरे न आने की वजह पूछती होगी। अपनी ही मां की तरह यहां भी एक मां है जो मेरे साथ बिल्कुल अपने बेटे जैसे सलूक करती है। इसी मां का एक बेटा है जो अपनी मां को बेहद प्यार करता है। उसने अपनी मां के लिए बहुत कुछ करने का सोचा था और ये सब कुछ मैं तुम्हें बताना चाहता था मगर तब नहीं बता पाया। इस खत में जो कुछ भी लिखा है वो मेरे और मेरे बेटे एंड्रयूज के बारे में लिखा है। क्या हुआ बेटी? अब एंड्रयूज कहाँ है? बंबई में। तुम उससे मिली नहीं? नहीं। तो फिर आओ मेरे साथ। आओ, ये है मेरे बेटे एंड्रयूज का कमरा। इधर तुम्हारा भैया रघुवीर भी रहता था और ये है मेरा बेटा एंड्रयूज। एंड्रयूज के अलावा यहाँ और भी कोई दोस्त है मेरे भैया का? और कोई दोस्त है या नहीं ये मैं नहीं जानती। हाँ, मगर तुम्हारे भैया को पढ़ने का बहुत शौक था। हर रोज लाइब्रेरी जाया करता था। ये देखो किताबें, उसी की तो है। ये सामान, ये भी उसका है। जाते वक्त यही छोड़ गया था। जाते वक्त भैया कुछ कहकर गए थे? हाँ, कहकर गया था कि फौरन वापस आऊंगा। माया, तो क्या रघुवीर यहाँ से वहाँ वापस नहीं पहुंचा? नहीं। फिर? रघुवीर भैया मर गए, आत्महत्या करके। करीब एक साल हुआ है। मगर क्यों? ऐसा क्यों किया उसने? मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि भैया ने आत्महत्या क्यों की। अरे, ये कहाँ चली गई? कहाँ गायब हो गई? कहाँ गई? थॉमस, तू उस तरफ जाके देख ले। जल्दी ऑन द डबल। अब उप्रेम, तुम लोग दोनों ऊपर जाओ। इतना जल्दी? अबे भगवान के पास नहीं, वहाँ जाके देखो। जल्दी जा रहे हैं। लड़की के पास? वो लड़की? अबे गंजे, चल जल्दी। अब उठे, डिस्टर्ब हो रहा है, लाइब्रेरी तेरा घर नहीं। चल मेरे गंजे, चल। It's all right. Huh? Oh shit! यार, पहले बता क्या बोली वो? उसने कहा, I love you. आज तुझे बोली है, कल मुझे बोलेगी, परसों मुझे, और एंड में अपन को बोलेगी। Sorry, I am busy with Appu. Hey, Appu. Excuse me. Yes. ये किताबें जिनके नाम पर हैं, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? Sure. ये किताबें रघुवीर के नाम पर हैं, मगर आप? मैं रघुवीर की सिस्टर हूँ, मेरा नाम माया है। भैया का देहांत हो गया है, इसलिए उनकी मेंबरशिप क्लोज करवानी है। एक अर्जी लिखकर देनी होगी। क्या आप रघुवीर भैया के किसी दोस्त को जानते हैं? जब मैं तुम्हारे रघुवीर भैया को ही नहीं जानता तो उनके दोस्तों को कहाँ से जानूंगा? ये उनकी तस्वीर है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में बॉक्सिंग चैंपियन थे। बॉक्सिंग चैंपियन? ये तस्वीर ले जाकर झुमरे तलिया बॉक्सिंग क्लब में दिखाइए, शायद किसी दोस्त का पता चल जाए। अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ इसके आगे का खेल। मार खाने का प्लान होगा। चलो, अच्छा हुआ उसका बॉक्सर भाई मर गया, नहीं तो अब तक हम चारों के मुंह में नकली बत्ती सी होती। ए चुप बैठ यार। प्रेम, तू कुछ नया खेल वेल बतला रहा था, बता। सिंपल यार, हम लोग उसे बताएंगे कि हम चारों उसके मरे हुए भाई रघुवीर के जिगरी यार हैं। बस चक्कर चल जाएगा। नहीं नहीं मेरे गंजे भाई, नहीं। कल ही तू तेरे आइडिया से मरते मरते बाल बाल बच गया। अगर आज हम तुम्हारी आइडिया सुनेंगे तो हम भी तेरे जैसे गंजे हो जाएंगे। गंजे, हमें तुम्हारी आइडिया नहीं चाहिए। अरे यार, तो कुछ भी बोल यार, लेकिन लड़की तो है ही खूबसूरत। तो फिर उसने नाम भी कमाल का पाया, माया।
जान लूं आई लव यू तुझ पे लुटा दो जान हे बाबू आई लव यू तेरे बिना जीना ना हे जान लूं आई लव यू तुझ पे लुटा दो जान तेरी खुशबू है मेरी नज़ा में तेरे ख्वाब निगाहों में तेरा दर्द है मेरे सीने में तेरा जलवा फिजाओं में तुझ पे लुटा दूं जान उसने कहा होगा इसने जमीन पे तुझ सा जवाब होगा ये हसीन दिल नशी उसने कहा होगा में तू तुझे दिल में छुपाया है मेरे सनम तेरी पसंद तुझे अपना बनाया है बेकरारी बढ़ी रुत बदलने लगी तुझ पे लुटा दो जान तेरे बिना जीना ना तेरा दर्द है मेरे सीने में तेरा जलवा फिजाओं में तेरी खुशबू है मेरी नज़ाओं
तुझ पे लुटा दो जान। I love you. Hey Babu, I love you. Hey Janu, I love you. Babu, I love you. Maya Vijay Kumar, क्या जमता है नाम? तेरे बेटी का नाम है? अबे माया के बच्चे, वो देख माया के गाड़ी की हवा निकल रहा है। भाई साहब आज आप बहुत मूड में हो। क्या मतलब? लगता है भाई साहब को हवा निकालने का बहुत शौक है। ये आदत तेरे बाप ने दी है तुझे। मैं हवा निकालूं या नहीं निकालूं तुम होते कौन हो पूछने वाले? अबे नालायक हैं हैं, चोरी तो चोरी ऊपर से सीना चोरी हैं, किससे दादागिरी करता है? किससे दादागिरी करता है? अबे अबे तेरी तो ए घुरघुर के क्या देखता है? आंखें निकाल के उसके जगह पे गोटियां बिठा दूंगा। मारो 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 भाई साहब, अरे मुझे मार क्यों रहे हो? आजकल का सिस्टम है, पहले मारते हैं बाद में बताते हैं। तो मार खा ले। अबू 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 सुन, आपको कोर्ट है, सुनो। देख अबू 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 देख देख इधर चल। अरे अबू देख, हम इसे क्यों मार रहे हैं? क्यों? माया को बताने के लिए। हाँ, इसलिए जब तक माया नहीं आती हम लोग इसे नहीं मारेंगे। जैसे माया आ गई फिर से खेल शुरू। मैं भी थक गया था, मैं देख के आता हूँ जल्दी। आ गई आ गई विजय, आ गई माया, आ गई माया। साला ठंडा नहीं ठंडा नहीं ठंडा नहीं उसको ठंडा नहीं। हट तेरी साला, तेरी तो हवा मारेगा तेरे मुंह से, मारेगा और नहीं भरा मैं तेरी। अबे सीधी तरह से हवा भर, मैं तो तेरे अंदर की हवा दूसरी जगह से बाहर निकालूंगा, पैंट की सिलाई खोल के। कट अरे भरता है भाई, चल चल झुका सर झुका। अरे दबा इसको, दबा, लगा 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 मुंह टायर पर। अच्छा हुआ कि मैंने इसे देख लिया। हमने हां अच्छा हुआ कि हमने इसे देख लिया, वरना ना जाने क्या जुल्म हो जाता। हटो हटो गाड़ी की मालकिन आ रही है। मैंने क्या मारा इसको? अप्पू खोटे रॉन्ग नंबर। ये लीजिए। थैंक यू। अब देखना मैं क्या करता हूँ। मगर तू करेगा क्या खोटे? अबे गंजे, करने के बाद मालूम पड़ेगा क्या। और तू संभल के कर यार, तू जब भी जाता हमको बहुत डर लगता है। अरे कुछ तो बता, तू करेगा क्या? क्या करेगा? हाँ। पहले जाके उस बुड्ढे को धक्का मारूंगा और बाद में बोलूंगा सॉरी अंकल। क्या 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 कैसा लगा आइडिया? कैसा लगा? आगे आगे बोल। मैं उसको जाकर पूछूंगा आप रघुवीर के दादाजी हैं क्या। बस इतना पूछने के बाद बुड्ढा पिघल जाएगा पिघल जाएगा। नहीं लगता आपको ये काम कर पाएगा? अबे गंजे, मैं ये काम करके ही दिखाऊंगा। अप्पू खोटे डोंट डिस्टर्ब, आई एम बिजी। ओके ओके, हैप्पी लैंडिंग, बेस्ट ऑफ लक, जा चल। मैं क्या बोल रहा था विजय? चूल्ही पर चढ़ जा। मर गए, इसने तो कहानी का बैंड बजा दिया। आइए आइस्ता आइस्ता। अरे अरे क्या है रे? मैं अकेला नहीं, वो भी मेरे साथ में है। अरे बैगन की औलाद, इतनी बड़े बड़े खरबूजा जैसी आंखों से तुझे दिखाई नहीं देता। सॉरी बोला ना? सॉरी 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 बोलने से क्या मामला खत्म हो जाएगा? ये 70 रुपए की बोतल है, कौन देगा इसके पैसे? सॉरी मैं उठा के देता हूँ, उठा के देता। चिल्लाना नहीं, अबे तेरे रोने से क्या बात यहीं खत्म हो जाएगी है? बड़े डींगे मार रहा था कि दादाजी को पटाने के लिए किसी की जरूरत नहीं, अब निकल गई सारी हकड़ी बच्चों। अरे गंजे मैं क्या करता, वो बुड्ढा अपने आप गिर गया। मगर अब रोने से क्या फायदा? रो मत अपू रो मत,
तू बस ठीक हो जा, फिर मैं उस बुड्ढे का हुलिया टाइट कर देता हूँ। पहले के टाइट है। पीछे पीछे। अरे इतना तो नहीं लगा था यार। तो फिर चिल्लाता क्यों है? मुझे नहीं, उसको, उस बुड्ढे को। हाय हाय, ये क्या हो गया दादाजी? ये कैसे हो गया? मुझे एक अजनबी रास्ते में घसीट के बहुत बुरी तरह पीटा। कौन था वो? अरे वही आवारा होंगे जिन्होंने तुम पर हमला किया था। उस दिन मैंने आप बीती सुनाई तो यकीन नहीं आया, जब खुद पर बीती तो पता चला ना। मुझे यही डर था कि एक दिन आपके साथ जरूर कुछ ना कुछ होगा। हो गया ना? हो गया, हो गया। दादाजी, अगर वो आदमी आपके सामने आ जाए क्या आप उसे पहचान लेंगे? अरे पहचान ही नहीं लूंगा, कहीं रास्ते में नजर आ जाए तो कमबख्तों का इतने जूते लगाऊंगा, इतने जूते लगाऊंगा कि उनकी जान ही निकल जाएगी। हाँ मैं समझ गई, उस रात जिन लफंगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी ये वही मुए होंगे, मैं उन्हें एक नजर में पहचान सकूंगी। अब इस बुढ़िया और बुढ़े से बचने का सिर्फ एक तरीका है। क्या? तुम तीनों माया को भूल जाओ। हमें छोड़कर ना जाने किसको लव लेटर भेज रही है। बंद कर अपनी काली जबान। इसका जरूर कोई प्रेमी होगा। नहीं हो सकता, मैं यहाँ होते हुए कोई नहीं हो सकता। अगर डब्बे में डाली हुई चिट्ठी पढ़ ली जाए तो मालूम हो सकता है। आइडिया अच्छी है। अम्मू खोटे, डोंट डिस्टर्ब, आई एम ट्रबल यार। इडियट। नेक्स्ट क्लियरेंस 3 PM। क्या करें? इंतजार, चाहे कुछ भी हो जाए ये चिट्ठी हमारे हाथ लगनी ही चाहिए। राइट। झगड़ा हुआ लगता है। ले आइकर। कौन पिस्टल बैन बिजी? ये भी बिजी है। नहीं नहीं मानेगा, बड़ी नोट चाहिए। जल्दी खोलना यार, जल्दी खोल। थोड़ा जोर से पढ़िया, हम भी सुने। माता पिता को सादर प्रणाम। मैंने पहले ही बोल दिया था यार, मेरे होते हुए किसी प्रेमी को खत लिख के नहीं सकती क्या? अब कुछ चुप रहा यार। हाँ विजय तू। हाँ, माता पिता को सादर प्रणाम। रघुवीर भैया जिस शहर में रहा करते थे ये खत मैं तुम्हें उसी शहर से लिख रही हूँ। रघुवीर भैया जिस घर में रहा करते थे मैंने उस घर का पता भी लगा लिया है। वो घर एंड्रूज नाम के आदमी का है। आगे सुनो। एंड्रूज अभी बंबई में रहता है। पिछले क्रिसमस पर एंड्रूज की माँ ने रघुवीर भैया के साथ बिल्कुल वही सलूक किया जो एक माँ अपनी औलाद के साथ करती है। इस वक्त एंड्रूज यहाँ नहीं। अब इस घर में सिर्फ माँ ही रहती है। चिट्ठी मैं पढ़ रहा हूँ ना। अब इस घर में सिर्फ माँ ही। अब इस घर में माँ ही रहती है। माँ जी ने रघुवीर भैया का बैग और सारा सामान घर के कमरे में रख दिया है। मैं एंड्रूज की माँ की मदद से रघुवीर भैया के दोस्तों को तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग माँ जी। कौन है आप लोग? स्वर्गवासी रघुवीर के दोस्त हैं हम। ये अप्पू खोटे, ये थॉमस, ये प्रेम और मैं। मैंने आप लोग को कभी पहले देखा नहीं और रघुवीर भी कभी बोला नहीं कि उसका इधर कोई दोस्त लोग है। माँ जी हम पर विश्वास कीजिए, सचमुच रघुवीर हमारा दोस्त था इसलिए तो हम। माँ जी रघुवीर ने हमारे बारे में भले ही कुछ नहीं बताया लेकिन आपके बारे में बड़ी तफसील से बताया। पिछले क्रिसमस पर रघुवीर यहाँ आया था ना, यहाँ जो कुछ भी हो उसने हमें सब कुछ बता दिया। एंड्रूज के भेजने पर ही तो वो यहाँ आया था, उसने हमें ये भी बताया। जी हाँ माँ जी, जिस दिन वो आपके पास आया आपने उसी दिन से उसके साथ बिल्कुल अपने बेटे जैसा सलूक किया, ये भी उसने बताया। हाँ सिर्फ इतना ही नहीं माँ जी, मरने के बाद सारा सामान यहाँ पड़ा है ये भी लिखा था। क्या लिखा था ना रे?
लिखा था। हाँ, नहीं लिखा था। आ, माजी, इसे ताजुब से मत देखिए। रघुवीर की मौत के सदमे से इस पर कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं। हाँ माजी, एक दोस्त के पागल हो जाने पर हम उसे गलियों में तो नहीं फेंक सकते ना माजी, आप ही बताइए माजी। माजी ये मुझे कुत्तम। माजी, हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें रघुवीर की एक तस्वीर चाहिए। रघुवीर लाइब्रेरी का मेंबर था ना, उसकी याद में लाइब्रेरी के सोवेनियर में उसकी एक तस्वीर छापनी है। हमारे पास तस्वीर है, लेकिन छोटी सी है, वो भी अच्छी नहीं। ठहरो, देखती हूँ। छोड़ो उसको, छोड़ो बेचारे को। गॉड ब्लेस यू माय सन, तुम जल्दी ठीक हो जाएगा। ये लो। किधर रहता है तुम लोग? हम सब यही नजदीक ही रहते हैं माँ जी, बिल्कुल आपके बाजू में ही घर है। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड, आप कभी जरूर आइए, हम सब वहीं मिलेंगे। माँ जी, आप हमें भी एंड्रयू तो रघुवीर की तरह ही समझिए। अरे यार, फोटो देखने से तो लगता नहीं कि ये मरा हुआ है। ऐसा लगता है बाहर आके अपना गला दबाएगा। चुप यार, हमेशा उल्टी उल्टी बातें करता है। उल्टी बातें करता हूँ तभी तो सीधी होती है ना गंजे। ए, मेरे घर में मुझे गंजा बोलता है, बाहर जा। ऐसा बोल, घर का मालिक हकाल देगा। गोपी, क्या बात है सर? सर के बच्चे इधर आ। जैसा मैंने समझाया है बिल्कुल वैसा ही उस लड़की के सामने कहना। एक लफ्ज भी इधर उधर किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरे प्यारे कौवे, अगर उसने पूछा हम लोग कहाँ है तो बोलना मैं छुपा हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। चल, सबके कान फ्यूज करते रहता। हाँ, किससे मिलना है आपको? प्रेम साहब का घर यही है ना? जी हाँ। मुझे प्रेम, अबे फंस रही है। कौन है? वो मेरे भैया हैं। अपना साहब? ये साहब का दोस्त है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। बेचारा मर गया, इसीलिए तो फोटो पर माला डाल दी। इनसे नहीं, इस घर में रहने वाले प्रेम साहब है ना, उनसे। वो भी नहीं है, बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए गए हैं। किस क्लब में प्रैक्टिस हो रही है? झुमरी तलैया स्पोर्ट्स क्लब में। ठीक है, मैं वही जाकर मिलती हूँ। जब ये पलम घर आए, जियारा मचल मचल जाए। तू किधर है, निकल जाए झुमरी तलैया क्लब में। आओ, आज हमारे प्यार के इम्तिहान का दिन, जो बॉक्सिंग में जीतेगा लड़की एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए हमें एक दूसरे को घूंसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। की बॉक्सिंग देखकर ही वो हम में से किसी एक को चुने। यस यू आर राइट, यदि ये मौका हाथ से निकल गया तो समझो लड़की भी हाथ से निकल गई। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन, इसलिए घूंसे मारने में नो कॉम्प्रोमाइज, नो सेंटीमेंट्स, नो इमोशन, ओनली मोशन। दोस्ती सब घर में क्या, इधर पकड़ के दे धबा दे धबा। कमाल है यार, दुनिया में सभी प्यार करने वालों को यही करना पड़ता है क्या? हम ये सब नहीं जानते, हम इतना जानते कि प्यार में अब हमें बॉक्सिंग करना ही पड़ेगा। हाँ। क्योंकि लड़की का भाई था बॉक्सिंग चैंपियन और हम ठहरे उसके दोस्त, इसलिए ये साबित करने के लिए हमें घूसे खाने भी पड़ेंगे और मारने भी पड़ेंगे। प्यार में तो लोग जूते खाते, तू घूसे नहीं खा सकता, थू तेरे जिंदगानी पे। एक्सक्यूज मी, यस मिस्टर प्रेम, अंदर है। थैंक यू। मुझे मारने का पीछा, पीछा, या, हाँ, two, three, four, six, ten, अभी आपको को मारते हैं। Don't disturb, come on, fight, come on, you fight, डरपोक, get up, डरपोक, Rocky, Rocky, come on. अरे बाप रे,
बुढ़ा बुढ़ी आ रहे भूतों की तरह, गधो मुंह छुपाओ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं कह रहा हूँ मुंह छुपाओ, अरे पकड़े जाएंगे, मुंह छुपाओ। मुंह क्यों छुपाया, डर गए क्या? देखा रॉकी का कमाल। अबे रॉकी की छठी ओला, अरे आगे कौन है भाई का लाल। अरे ये क्या है? ये थॉमस करने की जगह नहीं है। अरे I am Thomas. Excuse me. Yes. Yes. Mr. Prem. Oh, Prem को मैंने किसी जरूरी काम से भेजा है। कोई खास बात हो तो मुझसे कहिए। क्या आप रघुवीर को जानते हैं? रघुवीर? वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी का बॉक्सिंग चैंपियन जी, ठाकुर रघुवीर सिंह। मैं उनकी बहन हूँ। ओह माय गॉड, रियली? मैं रघुवीर का क्लोज फ्रेंड हूँ, थॉमस। लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। मुझे? हाँ। नहीं नहीं, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलता हूँ। आपने जरूर किसी और को देखा होगा, सोचा कि मैं हूँ। अरे भाई, ये तीनों जमीन से उठते क्यों नहीं है? मैं जरा रफ बॉक्सिंग करता हूँ ना, इसलिए तीनों को बेहोश कर दिया है। होश आएगा तो उठ जाएंगे बेचारे। अच्छा, अकेले ने तीनों की मरम्मत कर दी? आज तो सिर्फ तीन मिले हैं, रोज तुम्हें आठ आठ दस दस को एक साथ बेहोश कर देता हूँ। आइए कैंटीन चलते हैं। आइए। तो लीजिए। हाँ। प्लीज। मेरे भैया इस शहर में क्यों आए थे, क्या आपको कुछ बताया था? एक्चुअली पिछले क्रिसमस पे एंड्रूज नहीं आ सका था, इसलिए उसने अपने बदले में रघुवीर को भेज दिया था। मगर उससे पहले क्रिसमस पर तो एंड्रूज ने अपने किसी दोस्त को नहीं भेजा था। मैंने भी उससे यही पूछा तो कहने लगा कि एंड्रूज की माँ के लिए कोई खास तोहफा लेकर आना पड़ा। तोहफा? कौन सा तोहफा? वो क्रिसमस का तोहफा। मगर इस बारे में माजी ने मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो फिर हम चलते हैं। इस बारे में माजी से कुछ मत कहिएगा, अच्छा नहीं लगेगा। शहर में रघुवीर का कोई दुश्मन है? दुश्मन? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? इधर देखिए, किसी ने एक मरतबा मुझे 20 सड़क पे जान से मार डालने की कोशिश, और इस पर भी दो तीन मरतबा कातिलाना हमला हुआ। उनमें से एक को ऐसा सबक सिखाया कि बस। भाई मैं तो कहता हूँ कि इस इलाके में रघुवीर का जरूर कोई दुश्मन है। अरे नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? घबराहट के मारे रघुवीर के दुश्मन भी उसके दोस्त बन जाया करते हैं। तो फिर वो लोग कौन थे? वो होंगे किसी गली के लुच्चे लफंगे बदमाश 420 जेब कतरे मवाली। साले, हम गली के आवारा गुंडे हैं, और तू शराफत खान की नाजायज औलाद। साले दूध के धुले हुए गंदे अंडे, डूबा थोपड़े पर एक साल। अरे यार मैंने तो ऐसे ही कहा था यार। आज से तू ऐसे वैसे कुछ नहीं कहेगा, समझा? अच्छा ठीक है यार, आज से जो तुम लोग कहोगे वही करूंगा। ठीक है, आज से माया को भूल जाओ। भूल जाओ? मगर ठीक है यार, मैंने गलती की है, मैं चर्च में जाके कन्फेस कर लूंगा। आज के बाद तुझे हर बात चर्च में ही करनी पड़ेगी। अब इस साले लल्लू के फटके तुझे ये बताने की क्या जरूरत थी कि उसका भाई तोहफा लेकर आया था? अब तेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, तू उसे भाभी मान ले। तू चुप बैठ अपो। रघुवीर ने खुदकुशी क्यों की इसकी कोई ठोस वजह बताकर तुझे माया को यकीन दिलाना होगा कि हम लोग रघुवीर के लिए हमारी जान तक कुर्बान कर सकते। इस कहानी में रघुवीर तो हीरो है ही, लेकिन क्रेडिट हम लोगों को मिलना चाहिए। कल ठीक 4 बजे हम लोग कॉफी हाउस आ रहे हैं, तो माया को लेकर वहाँ आना, वरना 4 बजे मतलब 4 बजे, एक मिनट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, समझा? एक बात ध्यान में रखना, अगर माया को लेकर आएगा तो रास्ते में अपनी जबान मुंह में बंद रखना। क्या मतलब? चुप रहो। हाँ, और माया ने कोई सवाल किया तो क्या कहूँगा? बोल देना अपनी जबान दांत के नीचे अटकी हुई है। उसके लिए भी बोलना पड़ेगा ना। हाँ, तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर जाना, उसमें लिखा होगा बोलेगा तो मरेगा क्या? आप मुझे कुछ बताने वाले थे? जी हाँ, कुछ आपके भैया के बारे में आपको बताना चाहता था। वो क्या है कि कुछ लोग अपने आप को आपके भैया का दोस्त बताकर यहाँ पर घूम रहे हैं। हाँ? मगर ये सारी बातें यहाँ नहीं कर सकते ना, चलिए कहीं आराम से घड़ी दो घड़ी बैठकर बातें करते हैं। Why not? कॉफी शॉप चले? नहीं नहीं नहीं, कॉफी शॉप नहीं। क्यों? वहाँ पर दुनिया भर के छठे हुए बदमाश शराबी कबाबी आकर लड़कियों को छेड़ते हैं। अप्पू, डोंट डिस्टर्ब, आई एम बिजी। तेरी इन आलू जैसी आंखों पर धूल चढ़ गई है बुड्ढे,
अब हसीनों को देखने के लिए भी चश्मे लगाने पड़ रहे हैं। और मेरी बात मान, ये फकीर जैसे कपड़े निकाल दे तो फिर नंगा हो जाऊं? तू वैसे भी इन कपड़ों में नंगा ही लगता है। मतलब नंगा? अबे बाल से नंगे, मुझे नंगा मत बोल, आजाद बोल चलेगा, क्योंकि देश आजाद है। लेकिन विजय, आजकल की लड़कियों को ऐसे सिंपल कपड़े पसंद नहीं है क्या? डोंट दे लाइक? कौवा कर दिया। कौवे को भी पता है कि संडास कहाँ है। बड़ा अपशगुन है यार ये कौवे का हग्गू। मतलब थॉमस हमको हग्गू देगा क्या? मतलब धोखा देगा क्या? कौवे ने तो अपनी जात दिखाई, लेकिन थॉमस ऐसा नहीं करेगा। वो जरूर आएगा, अगर नहीं आएगा ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। हाँ। तेरे नाम बदलने से ये हग्गू तो नहीं निकल जाएगा। अब एक गंजे इधर ही तो किया है ना, मुँह पे तो नहीं किया ना? किया है थोड़ा सा। अब जो कुछ कहना है यही कहो, मैं इसीलिए आई हूँ। बताने से पहले एक छोटी सी विनती है आपसे। क्या? आज के बाद आप कहीं भी जाएं तो अपने दादा दादी के साथ जाएं। उन्हें देखकर उनमें से कोई भी आपके नजदीक आने की हिम्मत नहीं करेगा। कौन है वो लोग? वो अरे थॉमस, तुम इतना डर क्यों रहे हो? ऊपर वाला कभी झूठ ना बुलवाए, लेकिन मुझे सचमुच बहुत डर लग रहा है। मैं बड़ी हिम्मत करके कांपते कांपते यहाँ आपको लेकर आया हूँ। वो लोग किसी भी वक्त यहाँ टपक सकते हो। हाय। भर, मुझसे हवा भर, मुझसे हवा भर भाई जी ना, भर, मुझसे हवा भर। क्या हो, खेल में पिट रहा है? उसे छुड़ाते हैं। नहीं यार, दोस्तों से दगाबाजी करने का इनाम तो मिलने दे, साले को पिटने दे। अरे सब मिलकर उस बेचारे को मार डालेगा। अप्पू बहुत हो गया, चलो चलो। क्यों भाई हीरो, हो गई ना तबीयत हरी है? चल मेरे हिप्पी, चल मेरे हिप्पी, साले नकली बाल लेके घूमता है। ये तो असली है। ये बाल मेरे गंजे को दे दे ठाकुर। नहीं, ये बाल मेरे गंजे को दे दे ठाकुर। नहीं। I'm boss, Mr. Appu. Khote, don't disturb yaar, khote. Farm jhumri kare aise. Arey, arey, don't worry madam, ye to machhar hai. पाइपलाइन कर दिया। हाँ तो थॉमस यार, बॉक्सिंग में तू तो हम तीनों पर बड़ा हावी हो गया था, लेकिन इस रिंग में तुझे हमारी जरूरत पड़ी ना। अरे यार, पीछे से हमला करेंगे तो यही होगा ना यार। अच्छा शाबाश। आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? बस थोड़ी सी आई है। तेरे को कौन पूछ रहा है, चुप बैठ ना, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक गॉड, आप बच गई। अच्छा हुआ मैं वक्त पर आ गया। हम आ गए, नहीं तो आपकी इज्जत चली जाती। अप्पू खोटे, इज्जत नहीं जान।
जान चली जाती। अबे गंजे, इज्जत हो या जान, एक बार चली गई तो वापस नहीं आती, जैसे कि तेरे बाल गए अभी तक नहीं आए। चुप, गंजा है ना, बहुत भड़कता है। थॉमस, माया को बताएगा नहीं कि हम कौन हैं? हम इसके जिगरी दोस्त हैं, मगर इसे ये बात तुम्हें बताते हुए शर्म आ रही है। थू, थू, थू। इसके जिंदगानी पे। अबे सीधी तरह बताता है, तुझे भी हवा भरानी है। नहीं 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 नहीं, मैडम ये लोग मेरे दोस्त हैं, यानी रघुवीर के भी दोस्त हुए। हेलो 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 हेलो, थैंक यू। माय नेम इज अप्पू कोटे, आई एम फ्रॉम झुमरी तलैया। शादी के लिए सिलवाया इन एडवांस। आप रघुवीर की आत्महत्या का कारण जानना चाहती है ना? एक लड़की के प्यार की वजह से रघुवीर को खुदकुशी करनी पड़ी। वो उस लड़की से मिलने, उसे बात करने, उसे देखने के लिए हर रोज शहर में आता था। मगर रघुवीर को जब पता चला कि वो लड़की उसकी जिंदगी नहीं बन सकती, तो उसका प्यार भरा दिल टूट गया। ये दुख वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने आत्महत्या कर ली। आप जो कुछ कह रहे हैं क्या वो सच है? अपने दोस्त के बारे में उसकी बहन से झूठ बोलकर हम अपने पाप का बोझ क्यों बढ़ाएंगे? कौन थी वो लड़की? वो कौन थी, कहाँ थी, कैसी थी, कैसे मिली, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि रघुवीर उसे जान से ज्यादा प्यार करता था और वो लड़की भी रघुवीर को बहुत प्यार करती थी। मगर लड़की के माँ बाप दूसरी जात में शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने लड़की को घर में बंद कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, गुंडों के जरिए रघुवीर पर जानलेवा हमला भी किया। ये तो अच्छा हो कि हम लोग वक्त पर वहां पहुंच गए और रघुवीर की जान बचा ली। उस दिन के बाद लड़की के माँ बाप हमारे भी दुश्मन बन गए। कल जो वो लोग आए थे ना, ये वही गुंडे हैं। सच? हाँ, वो लड़की जहाँ भी हो उसे ढूंढकर रघुवीर से हम उसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन रघुवीर ने हमें साफ मना कर दिया। मैंने, इन लोगों ने उस लड़की के बारे में कई बार उसे पूछा, लेकिन हर बार वो खामोश रहा। उसने कभी हमें ये नहीं बताया कि वो लड़की कौन थी। हम लोगों से बिछड़ने से पहले रघुवीर हम चारों के गले मिलकर बहुत रोया था। उस वक्त तो हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम रघुवीर को आखिरी बार देख रहे हैं। रघुवीर मुझे छोड़ के क्यों गया? भाई 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 मुझे भाई 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 भाई, अरे मुझे बुला लेता है भाई 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 भाई। अप्पू खोटे, ओवर एक्टिंग करके मामला खराब मत कर। अप्पू, नाटक हिट हो गया। शुक्रिया। तुमने हमको दोस्त बनाया, शुक्रिया। तुमने हमसे प्यार जताया, शुक्रिया। तुमने हमको दोस्त बनाया, शुक्रिया। तुमने हमसे प्यार जताया, शुक्रिया। हाथ पकड़ के नाचेंगे, झूम के गाएंगे, आज खुशी के मौके पे धूम मचाएंगे। हमारी दोस्ती न टूटेगी कभी साथिया। तुमने हमको दोस्त बनाया, शुक्रिया। तुमने हमसे प्यार जताया, शुक्रिया। हाथ पकड़ के नाचेंगे, झूम के गाएंगे, आज खुशी के मौके पे धूम मचाएंगे। हमारी दोस्ती न टूटेगी कभी साथिया। तुमने हमको दोस्त बनाया, शुक्रिया।
रिश्ता जोड़ के चाने मन अब ना जाना हमको तनहा छोड़ के गुलबदन दिल से ऐसे दिल का रिश्ता जोड़ के चाने मन अब ना जाना हमको तनहा छोड़ के गुलबदन मार डालोगी इन अदाओं से दूर ना जाना इन निगाहों से हमारी दोस्ती न टूटेगी कभी साथिया तुमने हमको दोस्त बनाया शुक्रिया तुमने हमसे प्यार जताया शुक्रिया शम्मा रहती है जैसे महफिल में हम भी रहते हैं यार के दिल में हमारी दोस्ती न टूटेगी कभी साथिया तुमने हमको दोस्त बनाया शुक्रिया तुमने हमसे प्यार जताया शुक्रिया के मौके पे धूम मचाएंगे हमारे दोस्ती न टूटेगी कभी साथिया तुमने हमको दोस्त बनाया शुक्रिया तुमने हमसे प्यार जताया शुक्रिया वेलकम आप विजय कुमार हैं ना जी हाँ होना है जॉन होना है हेलो हेलो बंबई में मैं माया का पड़ोसी था अगर आपको एतराज ना हो तो आपसे एक बात करना चाहूंगा कहिए यहाँ नहीं कार में चलते हैं देर नहीं होगी मैं वापस आपको गाड़ी में छोड़ जाऊंगा नहीं तो आपके घर छोड़ दूंगा नो प्रॉब्लम मगर वो प्लीज प्लीज ना मत कहिएगा मेरे लिए सिर्फ 10 मिनट सर्व कीजिए प्लीज आइए चलिए थैंक यू आइए मेरे साथ जी आपकी दोस्ती के 3 टुकड़े भी यहां मौजूद हैं आप तशरीफ रखिए मैं अभी हाजिर होता हूं कैरी ऑन एंजॉय योरसेल्फ ये हमें यहाँ क्यों लाया है यार मुझे तो ऐसा लगता है
हम माया के रास्ते से हट जाए ये धमकी देने के लिए हमें यहाँ लाया गया है। लेकिन हम इस बात को नहीं मान सकते और ना माया को भूल सकते हैं। माफ कीजिएगा, आप लोगों को यहां लाने के लिए मुझे छोटा सा झूठ बोलना पड़ा। माया को मैं बिल्कुल नहीं जानता। क्या? हाँ, रघुवीर मेरा जिगरी दोस्त था। आप लोगों को रघुवीर के बारे में मुझे थोड़ी सी मालूमात देनी होगी। ये रघुवीर है। ओके, ये ये एंड्रूज। ओके, ऑलराइट। अच्छा तो ये एंड्रूज आप कहाँ हैं? आपको मालूम है? कमाल है यार, तुम तो ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे कि हम लोग कोई मुजरिम हैं। देखो, ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ। मैंने आपसे पहले भी कह दिया था कि आपके कीमती वक्त में से चंद लम्हे मुझे चाहिए। ये बॉम्बे में कहीं रहता है। वेरी गुड, तो फिर ये भी बता दो कि वो बैग अब कहाँ है। बैग? कौन सा बैग? वो बैग जो एंड्रूज ने रघुवीर के हाथों क्रिसमस का तोहफा बनाकर अपनी माँ को भेजा था। वो बैग। बोलो, बहुत हो गया। वो बैग इस वक्त कहाँ है? अरे माँ को भेजा था तो जाके उसकी माँ से पूछो। वो बैग उसकी माँ के बजाय किसी और के हाथ में पहुँच गया है। बैग, तोहफा? दरअसल एंड्रूज ने क्रिसमस पर कोई तोहफा भेजा ही नहीं था। बकवास, वो बैग कहाँ है और किसके पास है तुम्हें मालूम है? और तुम्हें बताना पड़ेगा। देखो, उस बैग के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। हम का हमारा दिमाग खराब मत करो। अरे क्या कर रहे हो यार, इसे क्यों मार रहे हो? साफ साफ बताओ आप किस बैग की बात कर रहे हो। वो बैग जिसके लिए मेरा बाप बीच सड़क पर कुत्ते की मौत मारा गया। तुम कमीनों ने मिलकर वो बैग गायब किया, लेकिन आज ये बेटा वो बैग हासिल करके रहे। अरे क्यों चिल्ला रहा है? हमने कह दिया ना, हमें उस बैग के बारे में कुछ नहीं पता। सब पता है तुम्हें, क्योंकि इस सारे शहर में तुम चारों ही रघुवीर के दोस्त हो। पिछले 8 महीनों से मैं पागलों की तरह रघुवीर के दोस्तों को ढूंढता रहा, लेकिन अब तुम मिल गए तो बैग भी मिल जाएगा। और जब तक वो बैग नहीं मिलेगा, तुम चारों इस अंधेरे से उजाले में नहीं जाओगे। अंडरस्टैंड? अप्पू खोटे, रॉन्ग नंबर। कहाँ गए सब लोग? भाग गए, डर के भाग गए। अरे देखो, अगर हमें कुछ पता होता तो हमें लटकाने से पहले सीधी पोजीशन में ही बता देता। उन्हें हमें उतारो। भैया वो देखो, ये वही लड़की है। हेलो, कहाँ गए तुम्हारे वो चारों चूहे? घर के हमारे बिल में घुस गए क्या? परवाह नहीं,
जहां भी हो जाए हम उन्हें ढूंढ कर निकालेंगे। चले चलो। प्रेम साहब है? नहीं, सवेरे सवेरे एक साहब आकर उनको कार में ले गया। उन चारों में से कोई भी यहाँ आए फौरन मुझसे मिलने के लिए कहना। अच्छा जी। वाह प्रेम साहब, आपका टाइम तो वेस्टेड टाइम है। बहुत खराब टाइम है। ओ जॉन होलो, कुछ नहीं कर रहा हूँ। अबे नीचे उतार, उतार नीचे। अरे जॉन उतार, उतार नीचे। अरे छोड़ा हम अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं कुछ नहीं। डर के मारे कहीं छुप गए होंगे, नहीं तो किसी ने उनको अगवा कर लिया होगा। इससे पहले कि उन लोगों पर कोई कयामत टूट पड़े, उस लड़की के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं बेटी, रघुवीर ने कोई लड़की को प्यार नहीं किया। नहीं माँ, रघुवीर भैया का एक लड़की से संबंध है, ये सच है। भैया का लाइब्रेरी कार्ड मैं देख चुकी हूँ। भैया को मेंबरशिप दिलाने वाली वही लड़की है, एनी, एनी फिलिप्स। उसी लड़की के लिए भैया लाइब्रेरी के मेंबर बने होंगे। उस लड़की से मिलने के बाद सब बातें सामने आ जाएंगी। मैंने जब ये कहानी सुनी तब यकीन नहीं आया, मगर अब भैया के बारे में जाने के बाद वो चारों जो कह रहे थे वही सच नजर आ रहा है। नहीं बेटी, ऐसा कुछ होता तो वो हमको जरूर बोलता। माँ को बताए बगैर भैया ने बहुत कुछ छुपाया है। माँ को देने के लिए एंड्रयूज ने एक तोहफा भैया के हाथों भेजा था। वो तोहफा आपको दिए बगैर ही वो यहाँ से चले गए। एक बात और जान लीजिए, एनी अब एनी नहीं रही, जोसफिन, सिस्टर जोसफिन बन चुकी है। सिस्टर जोसफिन से मिल सकती हूँ? ये समय प्रार्थना का है। प्रार्थना पूरी होने तक मैं इंतजार करूंगी। उस तरफ अंदर जाकर बैठ जाइए। थैंक यू मदर। आप ही मुझसे मिलना चाहती हैं? बोलिए, मैं ही जोसफिन हूँ। मैं जोसफिन से मिलने जरूर आई हूँ, मगर बात मुझे एनी फिलिप्स से करनी है। ठहरो, वो एनी फिलिप्स जो आज से एक साल पहले रघुवीर की दुनिया में आई थी, जिसने उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था, मैं उसी रघुवीर की बदनसीब बहन माया हूँ। सफेद लिबास पहन लेने से तुम्हारे किए हुए पापों के दाग न धुल सकते हैं न मिट सकते हैं, क्योंकि मेरे रघुवीर भैया के साथ जो तुमने अन्याय करने का पाप किया है, वो पाप तुम्हारे तमाम पुण्य पर पानी फेरता रहेगा। और आज इस कहानी के तुम्हारे दिल में छुपे हुए वो पुराने पन्ने भी तुम खुद मुझे अपनी जबानी सुनाओगी। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि इतनी मक्कारी और खोट से भरा हुआ ये खूबसूरत झूठ आपसे किसने कहा? चाहे कोई भी कहे, मगर तुम क्या कहना चाह रही हो मैं तुम्हारी इन आंखों में पढ़ चुकी हूँ। यही ना कि रघुवीर कौन है, ऐसे नाम के आदमी को तुम जानती तक नहीं, यही कहना चाहती हो ना तुम? बोलो, तुम्हारी जबान यही झूठ कहकर मुझसे अपना पीछा छुड़ाना चाहती है ना? गलत। रघुवीर को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इस शहर में मुझसे मिले बिना उसका शायद ही कोई दिन बीता होगा। लेकिन एक जवान लड़के और लड़की का इस तरह रोज मिलने का ये तो नहीं मतलब होता कि इनके बीच कोई गलत ताल्लुकात है। अपने भाई के बारे में तुम्हारे विचार सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। वो उन लोगों में से नहीं था जो किसी लड़की की मोहब्बत में अपनी जान दे दे। माया, असलियत तो यह है कि रघुवीर ने आत्महत्या की ही नहीं। क्या? हाँ, लेकिन इतना गंदा झूठ तुमसे कहा किसने? इस शहर में भैया के जो दोस्त हैं उन्होंने। दोस्त? हाँ, इस शहर में तुम्हारे भैया का एक ही दोस्त था,
एंड्रूस, जो अब कभी भी अपने घर लौटकर नहीं आ सकता, जिसकी बूढ़ी माँ आज तक उसके वापस आने का ख्वाब देख रही है, उस माँ का बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। यह खबर उस बेचारी को सुनाने की हिम्मत शायद तुम्हारे भैया में भी नहीं थी, इसीलिए वो मेरे पास आए थे, क्योंकि मैं एंड्रूस से प्यार करती थी। मगर जिस माँ की आंखें दिन रात घर के दरवाजे पर सिर्फ अपने बेटे के इंतजार में लगी रही, ऐसे उम्मीदों पर जीने वाली उस माँ को उसके बेटे की मनहूस खबर सुनाने से मेरी भी हिम्मत जवाब दे गई, और मैं आज तक अंदर ही अंदर घुट रही हूँ कि इतना प्यार करने वाली ममता की इस दीवानी को उसके लाल की मौत की खबर कैसे सुनाऊं। रघुवीर इस शहर में ना तो मुझसे प्रेम करने आया था और ना ही उसने मेरे प्रेम के कारण आत्महत्या की, बल्कि तुम्हारे भैया को भी उन्हीं दुष्टों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया होगा जैसे एंड्रयूज को मारा था। रघुवीर भैया की भी हत्या उन्होंने ही की होगी। कौन है, कौन है वो लोग? रघुवीर भैया और एंड्रयूज का हत्यारा कौन है? जॉन होनाय नाम का एक दरिंदा है, बंबई में रहता है। जॉन होनाय, हम बैग के बारे में कुछ नहीं जानते, हम रघुवीर को नहीं जानते, हम उसके दोस्त नहीं है, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हम चारों निर्दोष हैं। जॉन होनाय के पिताजी और एंड्रयूज के पिताजी हांगकांग में एक साथ पार्टनरशिप में बिजनेस किया करते थे, मगर रुपए पैसों का बराबर बंटवारा करने के बजाय जॉन होनाय के पिताजी ने एंड्रयूज के पिताजी का खून कर दिया और उनके हांगकांग की सारी दौलत लूटकर बंबई चला आया। बस वहीं से बदले की भावना ने जन्म लेना शुरू कर दिया। एंड्रयूज की माँ अपना सब कुछ त्याग कर अपने इकलौते बेटे को लेकर यहाँ चली आई। जैसे जैसे एंड्रयूज जवान होता गया, अपने पिता के हत्यारों को खत्म करने की भावना उसके दिल में घर कर गई। बस वो बंबई पहुँच गया, उसका मकसद था पीटर होनाय की मौत। Hello, my son. Good luck. You too. लोग उधर, तुम इस तरफ। yeah.
रघुवीर। एंड्रूस, ये क्या हो गया तुझे? रघुवीर, ये मेरे पिताजी की लूटी हुई वो दौलत है जिसे हासिल करने के लिए पीटर हुनोय ने उनकी हत्या करके उनकी लाश को समंदर में फेंकवा दिया था। 20 वर्षों से बदले की चिंगारियां मेरे सीने को जला रही थी, आज उस आग को मैंने अपने दुश्मन के खून से बुझा दिया है। दोस्त, मैंने अपनी माँ के दूध के कर्ज को भी चुका दिया है। मेरी माँ महारानियों की तरह राज करेगी। मैंने माँ से वादा किया है कि मैं अगले क्रिसमस पर जरूर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा। इस जगह की मिट्टी छोड़ने से पहले मैं पीटर हुनोय के बेटे जॉन हुनोय को भी मिट्टी में मिला दूंगा। तब तक तुम इस बैग को किसी सुरक्षित जगह पर रखकर इसकी रक्षा करना। उसके बाद मेरी हर सुबह और हर शाम एक इंतजार बन के रह गई, लेकिन वो बेवफा एंड्रूस लौट कर वापस नहीं आया। कई हफ्तों बाद खबर मिली कि एंड्रूस की लाश समुद्र के किनारे पड़ी हुई है। देख के लगा हमारा एंड्रूस आया है। मैं एंड्रूस के पास ही से आ रहा हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ रघुवीर। मगर एंड्रूस? एंड्रूस ने खुद मुझे यहाँ भेजा। अरे एक क्रिसमस के दिन तो इस माँ को बच्चे का मुंह देखना नसीब होता है, और फिर उसने प्रॉमिस किया था मेरे को कि वो मेरी क्रिसमस की इवनिंग को स्पॉइल नहीं होने देगा। और देखो ना, मैंने उसका सब फेवरेट खाना बनाया है। हाँ, अपने हाथों से धोखा दिया मेरे को, चीट किया मुझे। ठीक है। अरे बेटा, तू क्यों यहां खड़ा है? चल अंदर चल। आ जो हादसा हुआ है वो ममता की मारी इस मां को मैं कैसे बताऊं, किस तरह बताऊं? ये खबर सुनाकर उसके दिल को मैं कैसे ठेस पहुंचाऊं? कैसे बताऊं इसे कि एंड्रूस की जान के बदले मैं ये रुपया लेकर आया हूं? जिस बात की ये कैसे भंवर में ढकेल गया है तुझे? एंड्रूस मेरे दोस्त, अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा। रास्ता दिखा एंड्रूस। नहीं रघुवीर, ये सच नहीं है। रघुवीर,
क्या बात है, बिना लाइट जलाए अंधेरे में इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? नहीं बस ऐसे ही। चलो खाना खाते हैं, आओ। जिस जगह बाप गया है बेटा भी वहीं पहुंच गया। इस बात से अनजान एक माँ अपने बेटे की वापसी के इंतजार में भगवान से प्रार्थना कर रही है, और मैं अभागा इसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने पर मजबूर हूँ। इस माँ से सच्चाई छुपाकर मैं दरिंदों जैसी हरकत कर रहा हूँ, फिर भी उसका सलूक, उसका प्यार, उसकी ममता के भ्रम को हमेशा हमेशा के लिए कायम रखना, उसके दिल को कभी ठेस नहीं लगने देना। लाइए मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं रहने दे, चल। यहाँ आए हुए मुझे काफी दिन हो चुके हैं, और अब यहां से लौट जाने को दिल नहीं करता, मगर मुझे जाना ही होगा क्योंकि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। एंड्रूज की दी हुई वो तमाम चीजें अगर मैं मां को दे दूं तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। वो बैग अब तुम अपने पास संभाल कर रखना, हुनाई की मौत की पक्की खबर सुनने के बाद ही तुम वो बैग मां को लौटा देना। अब मैं जॉन हुनाई के पास जा रहा हूं, अगर मैं वापस आ गया तो समझना कि जॉन हुनाई इस दुनिया में नहीं रहा, और अगर मैं वापस नहीं आया तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा। मैं जा रहा हूं मां, मेरा जाना बहुत जरूरी है। बेटा तू मेरे एंड्रिस के पास ही जा रहा है ना, उसे बोलना कि उसकी माँ उसके लिए बहुत वेट कर रही है, दिन रात दरवाजे पर आंख लगाए बैठी है, जितना जल्दी हो सके उतना जाना, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारा एंड्रूस चाहिए, सिर्फ एंड्रूस। बोलेगा ना? ठीक है माँ। जॉन हुनाई! अरे देख मैं ही हूँ रघुवीर, जिसे तू शहर की सड़कों और गलियों में ढूंढता फिरता है, मैं ही हूं वो। और ये बैग वही है हुनाई, जिसके लिए तूने मेरे दोस्त एंड्रूस की हत्या कर दी, और अब तू मुझे मारना चाहता है। अरे हुनाई अब और खून खराबा करने की जरूरत नहीं है। हुनाई मैं ये बैग तुझे देने आया हूं, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, मेरे दोस्त एंड्रूस की मां की जिंदगी पर जरा सी भी आंच नहीं आनी चाहिए। ओके 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 ऑलराइट बैग ये ले। Hey!
जितनी जल्दी हो सके तुम ये शहर छोड़कर चली जाओ। जिन लोगों ने तुम्हें खुद को रघुवीर का दोस्त बतलाया है उनके बारे में सुन के मुझे डर सा लग रहा है। एंड्रूज और रघुवीर का खून कर देने वाले वो हैवान अब तुम्हारे जरिए उस बैग तक पहुंचने का रास्ता बना रहे होंगे। उनका मकसद है उस बैग तक पहुंचना। माया, उन चारों से प्लीज मत मिलना। इससे पहले कि माँ को किसी बात की खबर लगे तुम्हारा इस शहर से निकल जाना ही बेहतर होगा। चली जाऊंगी इस शहर से, मगर एक बार उन चारों को पुलिस के हवाले करने के बाद। बाय। छोड़ दे मेरे दोस्त को, इसका क्या कसूर है? मेरे दोस्त को छोड़ दे हरामजादे। मुझे मालूम है, मुझे सब मालूम है। मैं आपको बताता हूँ, पहले से पानी से बाहर निकालो, इसे मत मारो, मैं आपको सब बताता हूँ। देख मेरे जो, अप्पू खोटे किधर है? कहाँ अप्पू खोटे? अप्पू खोटे पहले ये बताओ कि वो बैग कहाँ है? बैग अप्पू के पास है, सिर्फ अप्पू जानता है वो बैग कहाँ है। अप्पू को यहाँ ले आओ, हमारे कहने पर वो बैग हमें दे देगा। पहले अप्पू को लेकर आओ। मुझे अंदर से गंजा कर दिया, मेरा दांत निकाल दिया। तुझे तेरे दांत की पड़ी है और यहाँ हम लोग को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। बेहतर यह कि ये जो चीज मांग रहा है इसे दे दे। क्या? अरे वही चीज दे देते। कौन सी चीज? ओफो, जो बैग रघुवीर ने दिया था वो बैग। बैग? हाँ। मुझे दिया था? ये क्या बोल रहा है गंजे, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्या हो गया तेरी आँख को? कुछ हुआ? तेरी आग निकली, तेरा दांत निकाल दिया, कैसा कैसा ये होना है तू तेरे जिंदगानी पे। देख अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं, वरना एक बैग के पीछे हम सबकी जान चली जाएगी। राइट। इज्जत से बैग देता है कि नहीं? हे भगवान, इन्हें माफ कर दो, ये क्या बोल रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे क्या बोल रहे है? तेरी भी आग चली गई। अब तुझे बैग के बारे में बताने को मना किया था ना? अभी बताने किया था, मत बताना। प्रेम तू चुप बैठ, जब मैं बात कर रहा हूँ तू बीच में टांग क्यों आ रहा है? अप्पू बैग का बताता है। अप्पू बता देना यार, अब बता दे। मत बताना। अबे साले बोला था ना चुप बैठने के लिए? नहीं, मैं जहर की सुई बना दे दूंगा। अरे मैं क्यों नहीं मार रहे हैं, बता क्यों नहीं दे? थॉमस, ये नाटक चल रहा है। नाटक? अरे ये तो वही हवा वाले का गैंग है। ओए यार, साथ में कितने पंटर भी हैं। गैंगी यार। भैया ये वही लोग हैं। अरे बाप रे, सबको आगे कुआ पीछे खाई। कुछ रास्ता निकल मेरे भाई। भैया ये तो गैंग के साथ आए हैं, चलो। ये तो अपने गैंग को लेके आ रहे हैं, छोड़ना नहीं, चलो। आ,
बड़े भाई थोड़े बाल देना। अरे मुझे जल्दी जाना, छोड़ दे यार, तू जल्दी जा। उस लड़की के भाई के दोस्त बनकर जानता है कितनी खतरनाक गलती की हम लोगों ने। एक तरफ होना है और दूसरी तरफ वो गुंडे लोग कौन है मालूम भी नहीं। इस शहर में रहना खतरे से खाली नहीं। विजय चलना, ये शहर छोड़ के जाएंगे। विजय हाँ विजय, अपू ठीक कह रहा है। उस लड़की की वजह से हमें कितनी मुसीबत उठानी पड़ी, लेकिन मुसीबत के कुएं में हमने ही तो पत्थर मारा है। सुनो सुनो यारो, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, लड़की को जानो। लड़की मुसीबत का नाम है, लड़की कयामत का नाम है। अरे लड़की मुसीबत का नाम है, लड़की कयामत का नाम है। लड़की तो आफत का नाम है, लड़की हिमाकत का नाम है। अच्छी भली मेरी तकदीर फूटी, लड़की के चक्कर में बत्ती सी टूटी। मेरी बत्ती भी टूट गई यार, इस प्यार में क्या हुआ मुझको हासिल। मैं ना रहा मुंह दिखाने के काबिल। तो लड़की हजामत का नाम है, लड़की तो नफरत का नाम है, लड़की मुसीबत का नाम है, लड़की कयामत का नाम है। आंसू बहाने
को अपना बना के तो देखो यारों कहीं दिल लगा के तो देखो इसके बिना हर खुशी है अधूरी इसके बिना जिंदगी है अधूरी लड़की तो राहत का नाम है लड़की तो चाहत नैया डुबाए लड़की है सबकी सफलता के पीछे लड़की ही सबको गिराती है नीचे औरत ने ही हमको पैदा किया है औरत ने ही हमको रुसवा किया है आओ चलो मिलके शादी रचाए शादी है बर्बादी कैसे बताए इस जनरेशन को आगे बढ़ा जरूरत का नाम है लड़की तो जन्नत का नाम है लड़की मोहब्बत का नाम है लड़की शराफत का नाम है ये पुलिस यहाँ क्यों आई हुई है तू चुप बैठ यार लेकिन ये पुलिस चुप लगता है ये हमारी तलाश में आई है यार जरूर कोई लफड़ा है मैं बोलता हूँ पतली गली पकड़ के भाग जाते हैं चुप रहने के लिए क्या लेगा चुप आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें वो जहाँ भी होंगे हम उन्हें जरूर गिरफ्तार करेंगे ये अपने को गिरफ्तार कर रहे हैं ये हमारे लिए थोड़ी कह रहा है चलो चलते हैं चलो 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 निकल चलो उस दिन मेरी जान और इज्जत पर हमला करने वाला राक्षस यही था हाँ यही तो है वो यही है वो कमीना जो कि मुझे मारने के लिए आया था उस दिन रघुवीर का खून करने वाले यही लोग हैं इनमें से एक को भी मत छोड़ना इंस्पेक्टर साहब ए, चलो इधर आओ आप सब इधर आओ चलो जल्दी करो वो भागने ना पाए बच गए चलो चलो कौन है आप मुझे नहीं जानते होना है जॉन होना है हेलो मां मैं विजय बोल रहा हूँ विजय विजय बेटा कहाँ है तू कहाँ से बोल रहे हो ये मैं क्या सुन रही हूँ तुम लोगों ने मिलकर माया के भाई का खून कर दिया नहीं माँ मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा यह ये भी सुनने में आया है कि माया और उसके दादा दादी को भी तुम लोग मार डालने के लिए उठा कर ले गए हो तुम यहाँ मत आना बेटा वरना पुलिस पकड़ लेगी बेटा कहाँ से बोल रहे हो माँ मैं विजय विजय क्या हुआ यार क्या हुआ विजय कोई खास बात है दादा दादी और माया का कहीं पता नहीं लगता है ये भी जॉन हुनाई का ही काम है और उसने ये केस हमारे सर पर डाला है
हे भगवान, मैं तो पहले से बोला था कि ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। मुझे तो डर लग रहा है वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे, जान से मार डालेंगे। अरे देखते कैसे मार डालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें वो बैग किसी भी तरह हासिल करना चाहिए। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, उस दिन जो कुछ भी कहा था सब झूठ था। हम लोग रघुवीर के दोस्त नहीं है। हमने रघुवीर को कभी जिंदगी में देखा तक नहीं। माया से दोस्ती करने के लिए हम लोगों ने इस तरह का झूठ बोला था और इसी वजह से आज हम सबकी जान खतरे में है। सिर्फ हमारी ही नहीं माँ जी, माया की जान को भी खतरा है। माया को अब सिर्फ आप ही बचा सकती हैं। मगर ऐसा क्या हो गया? माया के साथ वो लोग उसके दादा दादी को भी अगवा करके ले गए। कौन कौन माया को उठा के ले गया? कोई जॉन होना है, उसके बाप को रघुवीर और एंड्रूस ने मिलकर मार डाला और एक बैग यहाँ ले आए। अगर वो बैग होना के हाथ नहीं लगा तो वो माया को जान से मार डालेगा। आपकी जानकारी के बगैर रघुवीर ने उस बैग को कहीं छुपा दिया है। उस बैग को ढूंढने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। क्या कहा? मेरा बेटा एंड्रयूज किसी को जान से मार डाला? इम्पॉसिबल। हमने नहीं, जॉन होनाई ने कहा। कोई कुछ भी कहे मैं मदद नहीं करूंगी। माँ जी लेकिन हमको कुछ नहीं सुनने का, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। लोग कह रहे हैं कि होना की दौलत एंड्रयूज और रघुवीर यहाँ लेकर आए थे। अगर ये सच है तो वो बैग रघुवीर ने तुमको ही दिया होगा। वो बैग मुझे दे दो, क्योंकि रघुवीर की बहन की जिंदगी की कीमत वो बैग है। भगवान से वो बैग मुझे दे दो। बारे में तुम लोगों ने मुझसे क्यों छुपा कर रखा ये तो मैं जान गई हूं, क्योंकि तुम्हें भी डर था कि कहीं एंड्रयूज की डैडी की तरह मौत मुझे मेरे एंड्रयूज से छीन न ले। कहाँ है? बोल, कहाँ कैद कर रखा है तूने माया को? ए, एक कदम भी आगे बढ़ाए तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अब हम तेरे झांसे में नहीं आएंगे कुत्ते। कल तक हमारी जिंदगी तेरे इशारों पर थी और आज तेरी मौत हमारी मुट्ठी में। बोल माया कहाँ है? मुझे मारकर तुम्हें माया नहीं सिर्फ माया की लाश मिलेगी। बकवास बंद कर, बोल माया कहाँ है वरना मैं। ओके ओके हे
के गर्दन से चाकू हटाने के लिए कहो। कहो अब चाकू छीन ले। तुम लोग पीछे हटो, चलो। होनाई, पीटर होनाई का बेटा जॉन होनाई। माँ जी, बचपन के वो सुनहरे दिन मैं अभी तक नहीं भूला, जब आप मुझे और एंड्रूस को प्यारी प्यारी कहानियां सुनाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। और अगर मेरी कोई चीज एंड्रूस छीन लेता तो उसे डांटकर मेरी वो चीज मुझे वापस दिला देती। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है माँ जी, एंड्रूस का छीना हुआ मेरा वो बैग मुझे वापस कर दीजिए प्लीज। किसी की तलाश है ना आपको? बड़ी बेचैनी से ढूंढ रही हैं आप। मैं इतने जल्दी मरने वाला नहीं माँ जी, इसीलिए तो इनामुराद मेरे हाथ में आ गई। माँ जी, मेहरबानी करके वो बैग मुझे दे दीजिए। इस घर की एक और जिंदगी छीनने पर मजबूर मत कीजिए मुझे। आपके बेटे से भी मैंने यही कहा था कि भाई वो बैग मुझे दे दे, लेकिन वो नहीं माना। मजबूरन मुझे उसका खून करना पड़ा। तूने मेरे एंड्रयूज को मार डाला, मेरे इकलौती चाइल्ड का मर्डर किया,
सुबह शाम दरवाजे पर नजर जमाए मैं उसका राह देखती रही। मैं उसके उसके मुंह से मां शब्द सुनने के लिए तड़पती रही, उसका चेहरा देखने को बेचैन रही। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्यों किया? नहीं, ये दौलत के वास्ते, ये दौलत के वास्ते तूने मेरे एंड्रयूज को मिट्टी में दबा दिया, उसको इस जिंदगी से मिटा दिया। तूने मेरी जिंदगी को, मेरी सांसों को खत्म कर दिया। क्यों मैं, क्यों क्यों? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी दरिंदे। आज तूने एक माँ के दिल को जलाया है, कौन तेरा लाइफ भी राख कर देगा? मैं राख कर देगा। ये एक माँ का शाप है, तुझे शाप है। मेरा गिरेबान छोड़ दो। मैं तेरा गिरेबान ये दुनिया में तो क्या, गॉड के सामने वो दुनिया में भी नहीं छोड़ूंगी। तू गुनहगार है, मेरे बेटे का हत्यारा है। ला मेरा बेटा वापस कर दे, मेरा एंड्रयूज वापस कर दे नरेंद्र। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। बस करो, बहुत हो गया। कसके बांध दिया ना, गिरेगा तो नहीं? जी जी हाँ, सब मजबूती से बांध दिया एकदम। डोंट डिस्टर्ब एंड बिजी यार। अरे बिजी के बच्चे, ये बैग अंदर कौन डालेगा? नहीं नहीं, इस बैग का ताल्लुक मेरे रघुवीर भैया से है। ये बैग एंड्रयूज की मां ने दिया था। आप लोगों को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसे मेरी याद समझ कर रख लीजिए। आप लोग मुझे भूलोगे तो नहीं? बाय। हमें ये बैग नहीं चाहिए, इसमें तो खजाना है। ये
का तोहफा है, आपके पास रख लीजिए। तोहफा? हमारा गलियों के हम बिगड़े शहजादे, कोई न जाने हमारे हैं अच्छे इरादे, जो चाहे करते हैं, मालिक से डरते हैं, सारे जमाने में हमसा है कोई कहा।